बॉलीवुड में सैकड़ों फिल्में बनती हैं। इनमें से कुछ शॉर्ट फिल्में होती हैं, तो कई फिल्मों की लंबाई यानी रनिंग टाइम काफी ज्यादा होता है। वैसे औसत रनिंग टाइम की बात करें तो ज्यादातर फिल्में 2.25 घंटे से 2.5 घंटे के बीच होती हैं। हालांकि बॉलीवुड में ही कुछ ऐसी फिल्में भी बनी हैं जो 2 या 3 घंटे नहीं बल्कि 4 से 5 घंटे की है। हम आपको बताने जा रहे हैं बॉलीवुड की सबसे लंबी फिल्मों के ही बारे में। गैंग्स ऑफ वसेपुर। 2012 में आई डायरेक्टर अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर अब तक की सबसे लंबी फिल्म है। गैंग्स ऑफ वसेपुर के बारे में लोग यही जानते हैं कि ये फिल्म 2 पार्ट में बनी है। दरअसल फिल्म को 2012 में 2 हिस्सों में रिलीज किया गया था। वैसे 5 घंटे 19 मिनट लंबी इस फिल्म को एक ही साथ शूट किया गया था। यही वजह है कि ये अब तक की सबसे लंबी बॉलीवुड फिल्म है। फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज करने की वजह ये थी कि इसकी लंबाई 5 घंटे 19 मिनट को देखते हुए कोई भी थिएटर में लगाने को तैयार नहीं था। ऐसे में फिल्म को 2 अलग-अलग पार्ट्स में रिलीज किया गया। LOC कारगिल। रनिंग टाइम 4 घंटे 15 मिनट। मेरा नाम जोकर। रनिंग टाइम 4 घंटे 4 मिनट। संगम। रनिंग टाइम 3 घंटे 44 मिनट। लगान। रनिंग टाइम 3 घंटे 44 मिनट। मोहब्बतें। रनिंग टाइम 3 घंटे 36 मिनट। नरसिम्हा। रनिंग टाइम 3 घंटे 34 मिनट। सौदागर। रनिंग टाइम 3 घंटे 33 मिनट। कभी खुशी कभी गम। रनिंग टाइम 3 घंटे 30 मिनट। हम आपके हैं कौन। रनिंग टाइम 3 घंटे 26 मिनट। बॉर्डर। रनिंग टाइम 3 घंटे 33 मिनट। रेफ्यूजी। रनिंग टाइम 3 घंटे 27 मिनट। खाकी। रनिंग टाइम 3 घंटे 3 मिनट। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।